खबर राजनांदगांव जिले से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए महाजनबाड़ी में भाजपा संयुक्त प्रकोष्ठ की एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में पूर्व विधायक लाभचंद बाफना, प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। राजनांदगांव से नेमेश अग्रवाल की रिपोर्ट। तो प्रकोष्ठ मोर्चा के 17 प्रकोष्ठ हैं एक जिले राजनांदगांव में, और तीनों जिले से 17 प्रकोष्ठ के संयोजक, सह संयोजक, प्रदेश पदाधिकारी सब यहाँ सम्मेलन में आए हैं। उनका मैं सम्मान करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये जो हमने ताकत लगाई है सभी प्रकोष्ठों ने, ये यहाँ के संतोष पांडे जी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भरपूर और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बनाना है, इसलिए ये सम्मेलन रखा गया है। इसमें सभी से निवेदन किया गया है अधिक से अधिक कार्य करें, और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं 400 पार का जो नारा लगा है उसमें से एक यहाँ पर भी हमारे संतोष पांडे जी आ जाएंगे, यही हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। धन्यवाद। राजा माखीजा, मैं जिला संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने में भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ से ही पार्टी संगठन, मोर्चा, प्रकोष्ठ के माध्यम से काम किया। अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में 17 प्रकोष्ठ हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि इसके पहले उन विषम परिस्थितियों में प्रकोष्ठों ने जमीन में जाकर काम करने का प्रयास किया, चाहे वो महतारी हुंकार रैली का कार्यक्रम हो, चाहे अमित शाह जी का कार्यक्रम हो, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हो, चाहे जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम हो, चाहे युवा मोर्चा का कार्यक्रम हो। और उसका परिणाम ये आया कि पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज चला गया था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, मगर 54 सीट लाकर पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने दिखा दिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब जमीन में आ जाता है तो निश्चित रूप से विजयश्री उसके नजदीक आ जाती है।